टॉपिक इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। तो पहले समझते हैं फाइनेंस मैनेजर होता क्या है, वो क्या परफॉर्म करता है किसी भी कंपनी में, उसके रोल्स और फंक्शंस भी देखेंगे। सो फाइनेंस मैनेजर, अ फाइनेंस मैनेजर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल एसेंशियल फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल फंक्शंस जब भी वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रखना है पैसे से रिलेटेड बात हो रही है, फंड से रिलेटेड बात हो रही है, कंपनी में जो इन्वेस्टेड फंड है या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो चल रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो चल रही है, उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो फाइनेंस मैनेजर के होंगे। नाउ डेज फाइनेंस मैनेजर स्पेंड लेस टाइम इन प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड प्रिफर टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन कंडक्टिंग डेटा एनालिसिस, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजाइजिंग और एडवाइजिंग सीनियर मैनेजर और टॉप एग्जीक्यूटिव। आजकल के जो फाइनेंस मैनेजर जो होते हैं वो अपना टाइम जो है रिपोर्ट बनाने में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो फ्यूचर प्लानिंग में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, नए नए डेटा एनालिसिस करने में वो टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको तो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न से मतलब होता है। रिपोर्ट तो कोई भी बना सकता है फाइनेंस मैनेजर के अंडर में, जो इंप्लॉई होगा या जो कोई भी उसके अंडर में सब इंप्लॉइज होंगे वो बना सकते हैं। तो ये जो फाइनेंस मैनेजर है इसका मेन रोल अब जो करंट सिनेरियो में चलता है वो है प्लानिंग करना कि फ्यूचर में कहां इन्वेस्ट किया जाए, कैसे एनालिसिस करके वो सारी एनालिसिस करेगा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहां पे इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल रहेगी कंपनी के लिए। और उसी तरह टॉप मैनेजमेंट, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अपना डेटा एनालिसिस जो करके रिटर्न वाला जो भी फाइनेंशियल प्लान जो उसने बनाया है वो बताएगा टॉप एग्जीक्यूटिव को, ताकि वो डिसीजंस ले सके। सो फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या है, प्लानिंग करना, फंड कहां इन्वेस्ट करना है उस पर पूरा एनालिसिस करना, और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अपना रिपोर्ट रेडी करके प्रोवाइड करना कि ये इन्वेस्टमेंट आउटले हो सकता है। सो दीज आर फाइनेंशियल मैनेजर। अब इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फंक्शंस हैं, उसको हम देखते हैं। तो देखिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, रेजिंग ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स। कोई भी बिजनेस या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो वहां फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फंड कहां से रेज किया जाएगा, कैसे रेज किया जाएगा, किस फॉर्म में रेज होगा, डेट के फॉर्म में होगा कि इक्विटी के फॉर्म में, ये सारा फंक्शन जो है फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है। तो यहां पहला फंक्शन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में है वो है टू मीट द नीड ऑफ द बिजनेस, इट इज एसेंशियल टू हैव कैश एंड लिक्विडिटी सो दैट अ फर्म कैन रेज फंड्स बाय वे ऑफ इक्विटी और डेट। फाइनेंशियल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द राइट बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट। फंड को रेज करने के दो सोर्स हो सकते हैं कंपनी के सामने, वेदर डेट और इक्विटी, दोनों में कितना बैलेंस मेंटेन रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारा रोल जो है फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं रेजिंग ऑफ फंड्स। दूसरा है एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब जो फंड का अरेंजमेंट हुआ है उसको कहां इन्वेस्ट किया जाए, ये है एलोकेशन ऑफ फंड। जो भी डेट और इक्विटी से फंड रेज किया फाइनेंस मैनेजर की, मैनेजर ने डिसीजन लेकर उसको कहां इन्वेस्ट करना है, कौन सी एसेट परचेज करनी है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये भी फंक्शन जो है फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है। तो यहां देखिए साइज कितना होगा, एलोकेशन ऑफ फंड जब किया जाता है तो साइज ऑफ ग्रोथ के बारे में ध्यान रखा जाता है, स्टेटस ऑफ एसेट क्या है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, या मोड ऑफ फंड, रिविजन ऑफ फंड, ये सारी चीजें फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है। ये तो हो गए दो ब्रॉड फंक्शन जो सारे फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करते हैं, इसमें है आपका रेजिंग ऑफ फंड्स एंड सेकंड इज एलोकेशन ऑफ फंड। अब कुछ फंक्शन और होते हैं इसके अलावा भी जो फाइनेंस मैनेजर जो है परफॉर्म करता है, जिसमें है एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी हमने आपको बताया कि रेजिंग ऑफ फंड जो है फाइनेंस मैनेजर करता है, कितना पैसा रेज करना है ये भी तो फाइनेंस मैनेजर पहले डिसाइड करेगा ना, एस्टिमेशन लगाएगा ना कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी। सो दिस फंक्शन इज एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकंड इज डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कंपनी का, कि कंपनी जो कैपिटल अपना अरेंज करेगी वो किस फॉर्म में होगा, डेट के फॉर्म में होगा कि इक्विटी के फॉर्म में, अगर डेट होगा तो किस तरह का डेट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिबेंचर के फॉर्म में होगा, बॉन्ड्स के फॉर्म में होगा, अगर इक्विटी के फॉर्म में होगा तो कौन से इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है, डिटरमाइन करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। एस्टिमेटिंग कैश फ्लो। अब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो फाइनेंस मैनेजर लेगा कि कितना फ्यूचर में इनफ्लो कैश का हो सकता है, कितना आउटफ्लो जाएगा, ये सारे फंक्शंस
फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब फंड आ जाएगा कंपनी के पास तो फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा, एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करके टॉप एग्जीक्यूटिव को देगा कि कहां पे इन्वेस्ट किया जाए। दिस फंक्शन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एलोकेशन ऑफ सरप्लस, अगर एक्स्ट्रा फंड बच जाता है, सपोज 500 करोड़ का फंड रेज कर लिया कंपनी ने, उसको एलोकेट, उस 500 करोड़ में से 450 का एलोकेशन हो गया, एसेट के फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया, 50 करोड़ अगर बच जाता है, जो सरप्लस बच गया, उसको उसका क्या करना है वो फाइनेंस मैनेजर बताएगा कि उसको बैंक में रख दीजिए, या किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिए, या कहीं और किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, या आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। ये भी फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेता है। डिसाइडिंग, अब ध्यान रखिएगा, डिसीजन फाइनेंस मैनेजर नहीं लेगा, वो हेल्प करेगा डिसीजन लेने में टॉप एग्जीक्यूटिव की। तो ये एक तरह से एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करके देता है टॉप मैनेजमेंट को, फिर टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं फाइनेंस मैनेजर को कि ये डिसीजन लेना है। आगे दिया है डिसाइडिंग एडिशनल फाइनेंस। अब हो सकता है कि प्रोजेक्ट चल रहा हो, उसमें एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आ जाए, आगे फ्यूचर में आ सकती हो, तो उसका भी एलोकेशन और उसका भी डिसीजन जो है कि कहां से रेस की जाएगी, डिसीजन लेने में फाइनेंस मैनेजर हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज नेगोशिएटिंग फॉर एडिशनल फाइनेंस। और फाइनेंस अगर रेज करना है, बिजनेस चल रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रही है, तो उसमें बीच में और रिक्वायरमेंट आ गई, तो नेगोशिएट करना कि इक्विटी से ले कि डेट से ले, कहाँ लेस कॉस्ट लगा के इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो ये सब भी फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है। एंड लास्ट इज चेकिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सारा एनालिसिस किया, इन्वेस्टमेंट करवाया टॉप मैनेजमेंट से कहकर, अब जो रिटर्न आएगा लास्ट में उसका भी तो एनालिसिस करेगा फाइनेंशियल मैनेजर, तो वो चेक करता रहेगा कि मेरे जो प्लान, जो मैंने प्लान किए था, उसके अकॉर्डिंग मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि नहीं, रिटर्न आ रहा है कि नहीं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर।